बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब एक अच्छे और पॉजिटिव मूड में होंगे। फिर नज़र में फूल महके, दिल में फिर शमें जलें, फिर तसव्वुर ने लिया इस बज़म में जाने का नाम। व्यूअर्स, फूल रब ताला का एक अनमोल तोहफा। जब हम फूल की बात करें तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। कौन है इस दुनिया में जिसको गुलाब के फूल नहीं पसंद? और अगर गुलाब के फूल नहीं पसंद तो गेंदे के फूल तो ज़रूर पसंद होंगे। जब भी हम शादी के बारे में सोचते हैं, किसी भी खुशी के मौके के बारे में सोचते हैं, तो सर्दियों का ख्याल आता है, क्योंकि यूजुअली लोग जो हैं वो सर्दियों में ही शादियाँ या स्पेशल ओकेजन्स प्लान करते हैं। किसी भी ओकेजन पर किसी न किस्म के फूल तो हम देखते ही हैं। और लोगों ने आर्टिफिशियल फूलों की भी बात करें तो आर्टिफिशियल गुलाब भी ज़रूर लगाते हैं। गेंदा हमारे जो एक लोकल फूल है, अगर हम कहें, जिसको हम मैरीगोल्ड भी कहते हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। पाकिस्तान में जब भी कोई शादी स्पेशली माइयों, मिलाद, मेहंदी की बात होती है तो गेंदे का फूल जहन में आता है। लेकिन फूल सिर्फ लगाने की हद तक या उनकी खुशबू की हद तक यूज़फुल या अच्छे नहीं होते, बल्कि फूलों में भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे बहुत से मसाइल, हमारी बीमारियों का हल भी बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम रोज़ की या गुलाब की बात करें तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आर्थराइटिस के दर्द के लिए, कमर की दर्द के लिए, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़, डायरिया, गॉल स्टोन्स, गाउट के लिए, अल्सर्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दिल की बीमारियाँ, दिल के अमराज जो हैं, डायबिटीज़, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हमारे निज़ाम हज़्म के मसाइल होते हैं। अगर हम मैरीगोल्ड की बात करें, जिसको हम गेंदा कहते हैं, तो लगाने और देखने और उसकी लुक को इंजॉय करने के अलावा भी ये आपके जिस्म में जो सूजन होती है या जिसको इन्फ्लेमेशन करते हैं, इसको भी कम करता है। फ्री रेडिकल का जो डैमेज होता है हमारे सिस्टम में, उसे भी कम करता है। अगर आपके आँखों में कोई मसाइल है, जैसे कि आई इन्फ्लेमेशन या कंजक्टिवाइटिस, तो ये उसको भी रिड्यूस करता है। उसके अलावा इसमें नेचुरल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपके ज़ख्मों को, आपकी चोटों को, अगर आप खुदा ना खास्ता जल गए हैं, तो इन चीज़ों को भी हेल्प करता है। क्रैम्प्स को कम करता है, स्पैजम्स अगर आपके सिस्टम में हो रहे हैं तो उनको भी कम करता है। उसके साथ साथ ये आपकी स्किन के जो ज़ख्म हैं, सोर्स वगैरह हैं, उनको भी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब सही तरीके से अप्लाई किया जाए। हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, आपकी शुगर को कंट्रोल में लेके आता है। अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, जिनको पीरियड के प्रॉब्लम्स कहते हैं, तो उनके मदद करता है। अगर आपके सांस की नालियाँ, यानी कि ब्रोंकाइटिस वाला इशू है, सांस की नालियाँ आपकी बहुत ज़्यादा स्वेल अप हो जाती हैं, या आपके मैदे का प्रॉब्लम है, लिवर का, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, तो इन सब में मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा काम आता है। सोचें, हम लोग लगा के बस इन फूलों को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और ये नहीं रियलाइज़ करते कि इन फूलों का वैल्यू क्या है। वैसे आज तो हम फूल लगाएंगे भी, हम पार्टी मेकअप करेंगे लाइव अपने शो पे, और साथ साथ आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करेंगे, और ये भी जानेंगे एक न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या हम फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डाइट और अपने फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए व्यूअर्स, मिलते हैं आज अपने एक्सपर्ट से और देखते हैं कि वो हमें क्या क्या बताने जा रहे हैं। लेकिन ऑफकोर्स हम शुरू करेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जो शो पर हमारे पास पहली दफ़ा आ रही हैं। बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपने इनको देखा होगा, इनका काम मेकअप बाय रिदा के नाम से इंस्टाग्राम पे इनका पेज है। शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट रिदा सज्जाद, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए रिदा, क्योंकि उधर जा रही है, इधर जा रही है, घूमती जा रही है बच्ची। अस्सलाम वालेकुम बेटी, क्या हाल है? आई एम गुड, आप कैसी हैं? आई एम गुड, आपका पेज फॉलो करती हूँ और इसीलिए आपसे रब्ता किया और कहा कि बेटे आ जाओ और जरा सा हमें भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, आई हैव नोटिस्ड कि आपका बहुत ज्यादा लेपने के ऊपर फोकस नहीं होता, आप नेचुरल फीचर्स के साथ ही ज्यादा खेलते हैं। बहुत सेटल सा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल तो बेस नो मेकअप लुक्स चल रहे हैं हमारे ऑल ओवर पाकिस्तान में। आपने भी लगाई? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लग भी नहीं रहे वो नहीं, बिल्कुल मतलब न्यूट्रल न्यूट्रल बिल्कुल आपने मैं बेस लगाती नहीं हूँ बिल्कुल। एक्चुअली मैं खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट आई हेट मेकअप ऑन माई सेल्फ। ऑन एयर ना कहना,
सीरियसली बट ये है कि आजकल जैसे बहुत फिर स्किन का ख्याल रखना भी तो जरूरी है ना, नो डाउट, वो बहुत प्रॉब्लम ये है, दैट इज सो मस्ट। ये बड़ी ही प्यारी बात है जाने की, मैं खुद भी अपने ऊपर मेकअप नहीं लगाती। एक्चुअली व्यूअर्स, मेकअप को एनहांस करने के लिए यूज करना चाहिए, बिल्कुल, ना कि आप अपने मुंह के ऊपर एक और मुंह बना दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लाइट, बहुत सेटल से कवरेज होनी चाहिए, बिकॉज हाई कवरेज तो आजकल चल ही नहीं रही है बिल्कुल भी। एक्चुअली किम कार्डशियन और ये जो कार्डशियंस है ना, इन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया ना बूथे के ऊपर बूथा बनाने का, बिल्कुल मुझे इतना ये इरिटेट करता है कि उसमें यही कहती हूँ कि दुल्हन को जब आप तैयार करते हो जी जी, आपने बिल्कुल एक नई शक्ल उसकी बना दी। एग्जैक्टली, अब जब मुंह धुलेगा तो फिर वो क्या होगा, चीखे मारता होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही होता है, कौन आगे मेरे सामने। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और हर इंसान को रब ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया, नो डाउट नो डाउट, तो उन्हीं की ब्यूटी को एनहांस करना। ओके सुरेदा, आज हम आपसे सीखना चाहेंगे पार्टी मेकअप, इंशाल्लाह, बिकॉज़ देखो हम ब्राइड्स तो तैयार करते रहते हैं, लेकिन अपनी जात को कैसे तैयार करें इतने फंक्शंस, इतने ओकेजंस, आपने पूरा एक्सप्लेन करना है इंशाल्लाह। ठीक है, और हमारे साथ जो मॉडल है वो है आमिना खान, तो उनको भी बुला लेते हैं। आ जाओ अमना, आ जाओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, मैं आपके साथ। आ जाओ मेरा बेटा। अच्छा तो आमना, मुझे पता चला है कि आपको बहुत ज्यादा मेकअप नहीं अच्छा लगता। बिल्कुल भी नहीं। यू लाइक नेचुरल लुक, न्यूट्रल न्यूट्रल। अच्छा, हम आमना से उनका ओपिनियन लेंगे मेकअप के बिल्कुल बार। बिल्कुल तो ये नहीं करना कि मेकअप हुआ और बात खत्म होगी। आई वांट टू टेक आमना'स ओपिनियन आल्सो ऑन एयर कि उनको कैसा लगा अपना मेकअप और क्या डिफरेंस और चेंज महसूस हुआ। अभी कुछ नहीं लगा हुआ, सिर्फ लाइट सी ग्लॉस टाइप ही लगी हुई है, राइट? कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो और बाय द वे, जब आपने मेकअप करवाना है व्यूअर्स, तो प्लीज जब कभी जाएं भी और खुद भी अपना जब करें तो फेस को अच्छी तरह साफ सुथरा करके क्लेंज करके आया करें। बिल्कुल, प्रिपेयर होना स्किन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें उस पर फिर बहुत टाइम लग जाता है। आपकी स्किन प्रिपेयर्ड होगी तो उस पर हमें फॉरन से हम उस पर अप्लाई कर देंगे फाउंडेशन, प्राइमर और करेक्टिंग, जो भी हम लोगों का स्टेप बाय स्टेप होगा सारा। और ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फेवरेट पीपल जो इतने प्यारे अंदाज से हर बात समझाती हैं, डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मेरी तो बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बहन है डॉक्टर आयशा नासिर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लग रहा है राइडिंग जाने लगी हूँ, इसके बाद हम जाएंगे। लुकिंग ग्रेट बाय द वे। आई यू नो आई लव द फैक्ट दैट हमारे शो के ऊपर जब कोई इस तरह से तैयार होके आता है तो ये प्रूव होता है कि आप वेस्टर्न आउटफिट में भी बहुत ज्यादा डिसेंट और सिविलाइज लग सकते हैं। हमारे जहन में एक्चुअली वेस्टर्न कपड़ों का कॉन्सेप्ट बड़ा एक नेगेटिव है। अब आपने भी ईस्टर्न वेस्टर्न एक फ्यूजन पहना हुआ है, सो द पॉइंट इज, एंड इट लुक्स ग्रेट, द पॉइंट इज हम लोग थोड़ा सा एफर्ट करके अच्छे लग सकते हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि यार वो तो बड़ी वो जिनिशी ने पहनती है, भाई आप जीनो शीनो में भी बड़े अच्छे लग सकते हैं अगर आपको कैरी करना आता है तो। बिल्कुल कैरी करना आता है, और उसके अलावा जैसे ही जीन्स की बात आती है हम इंडिसन की बात कर लेते हैं, लेकिन उधर नहीं देखते कि शलवार कमीज में कितने ज्यादा कभी कभी लोग मतलब सी थ्रू शलवार कमीज है, स्लीवलेस है, फ्रंट भी लो है, बैक भी लो है, वो नहीं किसी को चुभती। जेंट्स देख रहे तो मसला हो जाता है। ये भी थोड़े से हम कॉन्सेप्ट चेंज करने की कोशिश करें, बट यू गाइस लुक ऑसम, थैंक यू सो मच। अब नॉन जीन्स वाली एक गर्ल भी हमारे साथ है, नैयर आपा, उनको भी बुला लेते हैं अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम आपा। हां जी वालेकुम। आप तो अपनी ही हैं और हमेशा साथ ही होती हैं, तो नैयर आपा भी हमारे साथ हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारा लोन बॉय जो है डॉक्टर फैसल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है फैसल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चले भाई, हमारा पूरी हमारी टीम पूरी हो गई है, अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मेकअप की बात करेंगे, फूल न्यूट्रिशनली किस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्या फूल भी एडिबल होते हैं और क्या उनका अमल दखल होता है हमारी हेल्थ में, ये भी हमने जानना है। मेकअप भी हम स्टार्ट कर देंगे, एंड देन टिप्स एंड ट्रिक्स कि हम गुलाब को और मेरी गोल्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए सबसे पहले तो डिसाइड करते हैं कि आज आमिना को हम पहनाएंगे क्या। आमिना यू डिसाइड कि आपने क्या पहनना है, कुछ हमने वार्डरोब ऑप्शंस लगाए हैं, पार्टी मेकअप के ऊपर हम फोकस करेंगे, राइट रिदा? बिल्कुल बिल्कुल। रिदा का पेज मेकअप बाय रिदा ऑन इंस्टाग्राम आप भी जरूर फॉलो कीजिएगा, और हम साथ में लिंक ऑन एयर भी शेयर करते रहेंगे ताकि आप लोग फॉलो कर सके। मैंने एक्चुअली इनको जब ऑनलाइन देखा तो आई वाज वेरी इंप्रेस्ड, मैंने कहा वेरी यंग पर्सन और बड़ा डिफरेंट और यूनिक काम कर रही हैं, सो व्हाई नॉट
इनवाइट यू टू द शो. और इसी तरह हमारे और भी अगर कोई यंग टैलेंटेड लोग हैं जो प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, कोई भी आपका कोई यूनिक और डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टैलेंट है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें. वैसे हमारा ए प्लस का जो पेज है उस पर अगर आप रब्ता कर लें तो बेहतर है, बट अगर मुझसे भी कॉन्टैक्ट करते हैं ऑन माई सोशल मीडिया जुगन काजिम के नाम से, जो मेरा इंस्टाग्राम है वेरीफाइड पेज है, आपको पता चल जाएगा कौन सा है, तो उस पर आप मुझसे अगर कनेक्ट करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन मैं हमारे प्रोड्यूसर्स को फॉरवर्ड कर दूँगी. आप पहले आउटफिट सेलेक्ट कर लें और फिर आप हमें आइडिया दे दीजिएगा कि आप क्या करेंगे. आप बताएं, मेरे ख्याल से तो ब्लू इज गुड. यस, अच्छा, आई लाइक द येलो वन आल्सो, बट थोड़ा सा वो ठंडा है. एग्जैक्टली, पार्टी मेकअप में ये बहुत अच्छा जाता है. और ब्लैक भी है, ब्लैक भी है, बट आई थिंक ब्लू इज अ नाइस कलर एंड इसके ऊपर हम लोग इसके साथ. अब देखिए ना, आप लोग जब तैयार होते हैं किसी भी इवेंट के लिए, किसी फंक्शन के लिए, हम मेकअप इस पे अलबत्ता ऐसा करेंगे कि जो हर आउटफिट के साथ चला जाए ताकि व्यूअर्स को उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ जाए. तो आप बेटे ये जाके चेंज करके आ जाओ, ताकि एक बार चेंज कर लोगे तो फिर हम आपका मेकअप स्टार्ट कर देंगे. आई विल कम टू यू वंस शी इज रेडी. अभी चलते हैं वापस मेन स्टेज की तरफ और बात करते हैं डॉक्टर आयशा नासिर से. जी आयशा, ये बताइए कि गेंदे की और गुलाब की जब हम बात करते हैं तो एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट्स हैं इन चीज़ों के, क्या खाए पिए जा सकते हैं, कंज्यूम किए जा सकते हैं? अच्छा, हर तरह का जो गुलाब का फूल है वो खाया नहीं जा सकता. स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ जो गुलाब है, स्पेसिफिक उसकी किस्म है जो खाई जा सकती है, और जो गेंदे का फूल है वो खाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ जो एहतियात जहन में रखनी है कि अच्छे से वॉश करके खाया जाए, साफ़ सुथरा करके उसको खाना है. किस तरह से खाया जा सकता है, आप उसको टी की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं. टर्किश टी के तौर पे अक्सर इसका इस्तेमाल किया भी जाता है. कहवा जात में इस्तेमाल किया जा सकता है. आप अपने जो घर का खाना बनता है उसमें थोड़ा सा गुलाब का जो फूल है या गेंदे का फूल है, थोड़ा सा स्पाइसेस के साथ ही उसमें शामिल कर सकते हैं. जब बेनिफिट्स की बात करते हैं, जितने हमारे प्लांट्स होते हैं, जितने हमारे प्लांट्स हैं, सब्जियाँ हो गई, और उसी में अगर हम देखें कि प्लांट ये गुलाब हो गया, गेंदे का फूल एक प्लांट ही है, ये एंटी ऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं. अब एंटी ऑक्सीडेंट के हमारी बॉडी में एक वक्त में हज़ारों रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस के बदले में बहुत जहरीला मवाद बॉडी के अंदर निकलता है, जिसे फ्री रेडिकल्स कहते हैं मेडिकल टर्म में. अब इन ये जो एंटी ऑक्सीडेंट है वो इन फ्री रेडिकल्स को अपने साथ जोड़ के बॉडी से फ्लश आउट करा देते हैं. मतलब वो जो जहरीला मवाद है जो कैंसर की, शुगर की वजह बन सकता है, ये उसको बॉडी में जमा नहीं होने देते. तो एंटी ऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स है. एंटी ऑक्सीडेंट्स हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं, और जब से कोविड आया हम लोगों को एक चीज़ समझ आई है कि कुव्वत मुदाफ़त में हमने बहुत ज़्यादा अपना ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा जोर देना है, अपनी इम्यून सिस्टम को हमने स्ट्रॉन्ग करना है. तो ये कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं. दोनों फूल जो हैं वो डाइजेशन के इशूज़ को लेकर बहुत अच्छे हैं. अगर किसी को डायरिया का मसला है, वॉमिटिंग का मसला है, या वैसे उसको खाना हजम नहीं होता, भारीपन महसूस होता है, तो दोनों जो फूल हैं वो उसके लिए बहुत अच्छे हैं. पर अच्छा, बड़े लोग जो हैं वो रोज़ वाटर जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए. मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा रोज़ वाटर जो है कोसा गर्म करके पी लेते हैं. लेकिन व्यूअर्स प्लीज़, जो कॉस्मेटिकली आपको रोज़ वाटर मार्केट में मिलता है, ये प्लीज़ पढ़ लिया करें उसके ऊपर कि क्या आप उसको पी सकते हैं. क्योंकि कुछ ऐसे रोज़ वाटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और आप उनको ड्रिंक भी कर सकते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जिनमें उन्होंने मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड की होती हैं, लिस्ट्रीन वगैरह ऐड, लिस्ट्रीन प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, तो वो शायद इतने आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल ना हो. वैसे तो रोज़ वाटर बनाना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. हमारे साथ आज दो ऐसे अमेजिंग हर्बलिस्ट हैं जो हमें गाइड भी कर सकते हैं कि रोज़ वाटर एक्चुअली बनाया कैसे जाता है. इतना कोई औखा काम नहीं है. मैं ये कह रही थी कि दोनों चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो डाइजेशन को ये ख़राब कर सकते हैं. तो जाहिर है अगर ये डाइजेशन को ख़राब करें तो किन लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना? प्रेग्नेंट फीमेल्स ने इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हामला ख़वातीन को कोई भी चीज़ किस वक्त रिएक्ट कर जाती है नहीं समझ आती. जिन्हें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे पास एथराइटिस आ जाता है, जिसमें हमारे पास थायराइड आ जाता है, वो इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ी एहतियात के साथ करें. कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है पहले ही उन्हें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऊपर से उनका गैस्ट्रिक या उनका जो डाइजेशन का इशू है वो भी बन जाएगा, तो चीज़ें मज़ीद ख़राब हो सकती हैं. बच्चों को थोड़ी सी एहतियात के साथ देना है. हर बच्चे को आपने गुलाब का अर्क नहीं पिला देना, बच्चों को या बूढ़ों को भी इनफैक्ट, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है, उनको आपने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें नहीं देनी.
ऑल्सो जो इम्पोर्टेड फूल आजकल मार्केट में आए हुए हैं, व्यूअर्स देखें, जो इम्पोर्टेड गुलाब मार्केट में मिलता है ना, उसको आपने बड़े एहतियात से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेड गुलाब है उसके अंदर बहुत से केमिकल्स डाले होते हैं उसकी हाइट बढ़ाने के लिए उसमें। इसीलिए जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की तो हम ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ की बात कर रहे हैं, जिसको आपने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है उसके अंदर फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनका हमने खास ख्याल करना है। अच्छा, जनरली हम अपनी कुव्वते मुदाफियत को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहिबा से जानेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कुव्वते मुदाफियत, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए हैं। अभी ब्रेक से पहले जब बात कर रहे थे गुलाब की और अपने गेंदे की, मेरी गोल्ड की एंड रोज़ की, तो यही बात आपने कहा कि कुव्वते मुदाफियत दो तीन दफ़ा आपने कहा, तो मैंने सोचा कि सर्दियाँ हैं और जिस किस्म का सीज़न है, खांसी, ज़ुकाम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, नाक बह रही है लेकिन ज़ुकाम नहीं है, ज़ुकाम है तो सांस नहीं आ रहा, खांस रहे हैं बच्चे तो खांसते ही चले जा रहे हैं, कुव्वते मुदाफियत बच्चे और बड़े हम अपनी कैसे इतनी मजबूत कर सकते हैं कि ये जो सीज़न है बीमारियों का, इससे हम सुकून से निकल जाएं। अच्छा, कुव्वते मुदाफियत, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊं, ये ना सालों साल का एक प्रोसेस होता है, हम इसको रातों रात बहुत मजबूत नहीं कर सकते, इसको रातों रात बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको अगर आज से शुरू करते हैं तो दो तीन साल में इम्प्रूव कर सकते हैं। सेलुलर लेवल पे ये हो रहा होता है, आप रातों रात इसको बहुत अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्ट कर देना चाहिए। अब कुव्वत मुदाफ़त को लेके जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन सी। हमारे पास विटामिन सी के हम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट में एक मसला आता है कि जैसे हम 500 mg का सप्लीमेंट हर कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन 85 mg से ऊपर होती नहीं अच्छे तरीके से, तो आप एक्सेसिव सप्लीमेंट्स लेकर सिर्फ खुद को साइड इफ़ेक्ट्स ही दे रहे हैं। बेहतर यह है कि आप अपनी डाइट में विटामिन सी शामिल करें। जितने हमारे पास आजकल फ्रूट्स आए हुए हैं सारे के सारे तकरीबन विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स हैं, ऑरेंजेस विटामिन सी, सिट्रिक एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरी चीज़ अमरूद, जितना ऑरेंज के अंदर विटामिन सी है उससे कहीं ज़्यादा अमरूद के अंदर विटामिन सी है, और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। अनार के अंदर भी विटामिन सी की एक अच्छी मकदार मौजूद होती है, सो विटामिन सी का इंटेक हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स से ज़रूर रखना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी पाकिस्तान में हर एक को है, हम इस चीज़ को समझते ही नहीं है। हम लोग 500 का बर्गर ले लेंगे लेकिन हम 250 रुपए का विटामिन डी का इंजेक्शन लेकर हर 15 दिन के बाद नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम सुस्ती करेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों से व्यूअर्स रिक्वेस्ट करनी है कि खास एहतियात करनी है, विटामिन डी अपना चेक ज़रूर करवा लें। हुआ ये कि मैं अपनी बेटी नूर को ना एक्स्ट्रा विटामिन डी के ड्रॉप्स दे रही थी, फिर किसी वजह से ब्लड टेस्ट कराने पड़े, चेक वगैरह करने के लिए चीज़ें वगैरह कि सारा कुछ बैलेंस में है, वट एवर छुटकी सी है, तो विटामिन डी का उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक हो, सो इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि आप टॉक्सिक लेवल तक विटामिन डी की टॉक्सिसिटी किडनी को डैमेज करती है, सीधा सीधा किडनी को। अच्छा, विटामिन डी के बारे में एक चीज़ मैं और गाइड करती चलूँ, विटामिन डी का टेस्ट कराएं और जब आप इसका इंजेक्शन या गोली ले लें तो 3 मंथ्स तक आपने टेस्ट रिपीट नहीं करना, क्योंकि 3 मंथ्स तक आपके ब्लड में विटामिन डी ज़्यादा ही आएगा। विटामिन डी का जब आपने लास्ट इंजेक्शन लिया हुआ आपको कोई 3 मंथ्स हो जाए तब आपने अपना विटामिन डी का टेस्ट कराना होता है। ठीक है, अगली हमारे पास चीज़ आती है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे पास जितनी वेजिटेबल्स आजकल हैं उनमें अक्सर में मौजूद है, विटामिन ए का इस्तेमाल करें। वैसे अगर जनरली बताऊं जितने हमारे फूड ग्रुप्स हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो हम लोग रोटी बिल्कुल छोड़ देते हैं बहुत गलत है, जिंक का एक अच्छा सोर्स होती है हमारे पास गंदम, तो रोटी चावल का इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन एक इत्तेदाल में रहकर इस्तेमाल करें। एक चीज़ जुगन जो मैंने नोट की, जब कोविड आया था ना जो ओवरवेट लोग थे वो ज़्यादा सफ़र किए थे, और मैंने ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को देखा है जो ओवरवेट थे और उनकी डेथ भी हुई। फिर अपने ऐसा यही तो बात है ना मेरी जान, सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप व्यूअर्स करते हैं, आप ये सोचते हैं कि जस्ट आपके ऊपर अगर वज़न ज़्यादा है तो आप हेल्दी हैं। एग्जैक्टली
ज़्यादा वज़न का मतलब है कि वो जो एक्स्ट्रा फैट है वो आपके दिल पे भी प्रेशर डालता है, आपके गुर्दों पे भी, आपके जिगर पे भी। ज़्यादातर लोग जो ओवरवेट होते हैं जब वो चेक कराते हैं तो उनका फैटी लिवर भी निकल आता है, बल्कि पतले लोगों का भी आजकल फैटी लिवर निकल रहा है। हमारे लाइफस्टाइल, क्योंकि हम लोग जब तक खाने के ऊपर तरी नहीं ना आती, हमें सुकून ही नहीं आता कि खाना बन गया। ये क्या बनाया, बिल्कुल ऐसे ही सूखा फिक्का खाना फैटी लिवर, उसकी वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादा हो रहा है। और जुगन, एक आपने बात की थी कि हमारे सांस का मसला और वो जो फ्लू वगैरह हो रहा है, तो मैं जुगन का, आपको याद है आपने मुझे ऑयल दिया था, ब्रीथ इजी ऑयल, और मैंने तब कहा था नहीं नहीं मुझे तो सांस का कोई मसला नहीं है, दो दिन थे कि मुझे जुकाम हो गया और वो मैंने अपने ना पिलो पे लगाया, वो दिन गया नहीं और आज का दिन गया नहीं। मेरे हस्बैंड रोज रात को मेरे पूरे कमरे में उसकी स्मेल आती है, वो इतना अच्छा है और इतना इफेक्टिव है। यू सी, यही तो चीज़ें हैं व्यूअर्स, नेचुरल तरीके से भी हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। मेरे नूर के भी अनकरीब इन द नेक्स्ट फ्यू डेज मेरे एसेंशियल ऑयल्स भी आ जाएंगे, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें आपको पता है आयशा मार्केट में लेके आ रही हूँ, जो मैंने जिस तरह मॉस्किटो रिपेलेंट का इशू था, तो आपको याद है फैसल भाई, मैंने आपको फ़ोन किया कि फैसल भाई आप जो नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट बनाते हैं मुझे उसका तरीका बता दें बनाने का, और देखें कि कितने जेनरस इंसान है कि इनकी अपनी प्रोडक्ट लाइन है लेकिन इन्होंने मुझे बता दिया कि ये तरीका है। और मजे की बात यह कि जब मैंने नैयर आपा से ये बात डिस्कस की तो नैयर आपा ने कहा मेरे पास भी रेसिपी है, मैं तुम्हें देती हूँ, तुम वो भी ट्राई करना। सो द पॉइंट इज, देखें ये होता है एक फैमिली एटमॉस्फेयर कि एक दूसरे से हम इनसिक्योर नहीं होते। नैयर आपा के प्रोडक्ट्स अमेजिंग है, मतलब अगर मैं कहूँ कि आप इन, मतलब इनके सैलून से जब भी जाके फॉर एग्जांपल मैंने वैक्स कराई है कभी मुझे दाने इश्यूज प्रॉब्लम नहीं हुए। दूसरे किसी पार्लर में जाके कराओ तो उसमें इतनी केमिकल्स उन्होंने डाले हुए होते हैं और पता नहीं क्या डाला होता है कि उस वक्त तो ठीक होता है, अगले दिन लाल लाल थप्पड़ जैसे नहीं होते। सो द पॉइंट इज नेचुरल चीजें और नेचुरल तरीके से, इसीलिए तो हम सारे, मतलब मुझे भी इन लोगों ने अपने साथ, नैयर आपा की सबसे पहले गलती है कि ये मुझे इस डगर लेके आई। मुझे हर वक्त कहती थी जब मैं पीटीवी पे काम करती थी कि जुगन नेचुरल चीजों की तरफ आ जाओ। इन्होंने मुझे घर पे पीस के पहली दफा हल्दी ला के दी नेचुरल, इतनी सी हल्दी डालो पूरे खाने में महक और जायका और कलर आ जाता है। मार्केट की खरीदो पूरे दो दो टेबल स्पून डाल दो कलर नहीं आता, जिसको ऑर्गेनिक की आदत पड़ जाए। एक्चुअली तो हम लोग बड़े हुए ऑर्गेनिक खाते हुए, और आप लोग न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस जो लाइफस्टाइल कोचेस हैं आप लोग यही तो हमें समझाते हो। एक्जेक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा खा लो लेकिन साफ सुथरा खा लो, साफ सुथरा खा लो, ऐसे ही है। सो लोग ये कहते हैं कि भाई आप लोग कहते हैं, जो आप लोगों की कैटेगरी, लोगों के काम खाओ इत्तेदाल से खाओ, ये करो वो करो, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल निहारी खाने का दिल चाह रहा है, पाए खाने का दिल चाह रहा है, मुरगन गजाएं, लेकिन शौक तो है लोगों को, बिल्कुल है। अच्छा, ये क्या करें फिर हम? एज अ रिवॉर्ड लेनी है, रिवॉर्ड से मुराद ये है आपने बहुत अच्छे 15 दिन डाइट किया है, तो चलो आप एक चीट मील, चीट डे की मैं बात नहीं करी, प्लीज चीट मील आप एक डिजर्व करते हो। ये चीजें रिवॉर्ड, ये नहीं कि आपने एक दिन निहारी खाई है अगले दिन आप पैनकेक्स खा रहे हो, उससे अगले दिन आप खा रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपने चीट मील को एज अ रिवॉर्ड, और ये कभी कभी होना चाहिए, वंस इन अ वाइल, आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मैं जब मेरे पेशेंट्स मुझे कहते हैं हम तो रोज शवारमा खाते हैं, मैं कहती हूँ मुझे फायदे तो बताओ, मुझे नहीं पता, मुझे तो फायदे बताओ, इसके फायदे हैं क्या, आप अपने आप को जहर कैसे खुद खिलाए जा रहे हो। और पाए बाय द वे आपके लिए बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब आप पाए के साथ दो नान खा लेते हैं और उसके बाद फैटी लिवर, फैटी लिवर और पाए का डायरेक्ट ताल्लुक है आपस में, हमारी यही चीजें तो हैं, पाए हो गए, ये नान चने इतने, मगर जिनकी फॉर एग्जांपल सर्जरी हुई भी होती है, डॉक्टर्स कहते हैं कि बोन ब्रॉथ लें या पाए का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चीजें आपकी, और स्पेशली जिनके जॉइंट्स और हड्डियों का इशू है, लेकिन अब अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, और साथ में मतलब 4 स्टंट दिल में डले हुए या 1 स्टंट भी दिल में डले हुए, थोड़ा सा बैलेंस के साथ चीजों को लेकर चलें। अच्छा, जिंदगी में बैलेंस कैसे ढूंढे ये हम आयशा से जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमने ये जानना है कि मेकअप किस किस्म का रिदा कर रही हैं, ये भी हमने गाइडेंस लेनी है, और फिर कुछ हम आपके पास जो हैं कोई रेसिपीज, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएंगे। डॉक्टर फैसल से ही बल्कि स्टार्ट कर लेंगे ब्रेक के बाद, और जानेंगे कि वो आज मेरी गोल्ड यानी कि गेंदे और रोज़ यानी कि गुलाब से हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं। We
व्यूअर्स वेलकम बैक। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं सेट पे। फैसल भाई से मैंने रिक्वेस्ट की कि हम आपके पास अभी दो मिनट में आएंगे क्योंकि हमने आपको रोज़ वाटर बनाना सिखाना है और वो नैयर आपा हमें गाइड करेंगी क्योंकि ये तो इनकी फेवरेट टिप है ना कि रोज़ वाटर क्यों खरीदते हो तुम लोग मार्केट से जाके, मैं तुम्हें घर पर बनाने सिखा दूंगी। और आजकल तो गुलाब वैसे ही इतना इस्तेमाल हो रहा है कि अगर आप अभी बना ले तो आराम से नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो हैं आपके सुकून से निकल जाएंगे। और गर्मियों में तो वैसे ही रोज़ वाटर का बड़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले आइए मेकअप की तरफ बढ़ते हैं। यस मैडम रिदा, क्या सिचुएशन है? हमने बेस तैयार की, इनकी बेस प्रिपेयर की है, पहले इनके स्किन प्रिपेयर की है, उसके बाद अब इनकी बेस प्रिपेयर की है। इनके डार्क सर्कल्स थोड़े ज्यादा थे तो उसको मैंने जो है वो क्रेलॉन की FS36 से जो है वो कवर किया है। और अब इनके मैंने एक लिक्विड बेस लगाई है, उसको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके इनकी एक सर्कल सी बेस बन गई है। देखिए मैंने अंडर आई को कैसे कवर करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड कर दो। अंडर देखो, अगर डार्क, जिस तरह मेरी भी अंडर आई डार्क है, अक्सर मैं जब अपना मेकअप करती हूँ तो मेरी अंडर आई जो है वो फिर भी जरा नजर आती है हल्की। कंसीलर लगाएं आप अच्छा वाला फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसको यानी कि अंडर आई में कंसीलर और फिर पूरे फेस और अंडर आई पे बेस। आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका कंसीलर कलर करेक्टर होना चाहिए, वो आप किसी भी क्रेलॉन की स्टिक से या किसी अच्छे कलर करेक्टर से आप उसको करेक्ट करके। अच्छा, ऑरेंज किसके अंडर आई पे यूज करनी चाहिए और ग्रीन किस पे यूज करनी चाहिए और येलो? ग्रीन जो होती है वो फॉर पिंपल्स होती है, ठीक है, कवर करने के लिए। जब रेडनेस होती है हमें वहाँ पे हम ग्रीन लगा सकते हैं, और जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा डिसकलरेशन होती है वहाँ पे, जहाँ पे हमें छाइयाँ वगैरह होती हैं बिल्कुल, वहाँ पे हम लोग जो है वो लगा सकते हैं FS36 क्रेलॉन की भी ऑरेंज में। हाँ। और हमें वैसे भी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड भी और थोड़े लोकल कंपनीज के भी जो है वो कलर करेक्टर्स मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये कि उसको आपको यूज़ करने की टेक्निक पता होनी चाहिए बेसिकली। हाँ। यानी कि पहले आपने करेक्टर लगाया, सबसे पहले आपने प्राइमर लगाना है, उसके बाद आपने कलर करेक्टर लगाना है, उसके ऊपर आपने कंसीलर लगाना है, फिर बेस लगानी है, फिर कंसीलर लगाना है। अच्छा जी। और अगर कवर हो जाए तो फिर आपको ज्यादा केकी करने की जरूरत नहीं है उसको, इतना ज्यादा आपको हाई कवरेज अगर आप बिल्कुल लाइट ही चाह रहे हैं तो आप स्मूथ करें। अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे देखने के लिए कि हमने रोज वाटर कैसे तैयार करना है। तब तक आप, क्योंकि अभी जो बेस का जो सिलसिला आपको पता है उसको सेट करने में कुछ लम्हे लगते हैं और वो एक पेशेंस का काम है। जो व्यूअर्स, अगर आप पेशेंसली करेंगे तो फिर वो आपकी बेस और आपका जो मेकअप है अच्छा खासा जो है वो 4-6-8 घंटे भी लास्ट कर जाता है। और अक्सर ऐसा होता है जब घर में शादी होती है तो आप अपना मेकअप 2-2:30 बजे करके बैठे होते हैं और 7 बजे आपने फंक्शन पे पहुंचना होता है। जी हाँ जी जुगन, आज मैं जो प्रोफेशनली जो है वो अर्के गुलाबा कैसे बना सकते हैं उसके लिए, ये इस तरह से एक सांचा सा मिलता है मार्केट से, ये आराम से 2-2.5 हज़ार रुपये में मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने पानी डाला है, ठीक है, और इसके अंदर हम जो है वो गुलाब को धो के डाल देंगे। ठीक है, मट्टी वगैरह लगी हुई होती है अगर आप मार्केट से लेके आते हैं। हाँ जी, इसके अंदर अगर 5 किलो पानी है तो इसके अंदर जो है वो आप 2 किलो जो है वो गुलाब की पत्तियां जो है वो डाल। हाँ जी, इसी तरह से जुगन सौंफ का, अजवाइन का, किसी भी चीज़ का जो है वो हम अर्क जो है वो निकाल सकते हैं। तो आज हम जो है वो अर्के गुलाब बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हमने सारी जो है वो रोज पेटल्स डाल दी, नीचे जो है वो आग जल रही है। केनिया तो नहीं डालनी ना? नहीं। हाँ जी। हाँ। अब इसके ऊपर जो है वो इसको फिक्स नहीं, इस तरह से ये इस तरह से फिक्स होगा। अच्छा, ये मिल जाता है आराम से? आराम से मिल जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब इसके अंदर जो है वो हम बर्फ डाल देंगे, ठंडा पानी या बर्फ। इसका जो फंक्शन है वो जुगन ये है कि जब स्टीम ऊपर आएगी उसके बाद जो है वो यहाँ से जो है वो स्टीम आएगी। ठीक है, इसको हम जो है वो बोतल को नहीं, इस तरह से जो है वो बड़ी बोतल जिसके साथ होती हैं तो ये टेप के साथ इसको फिक्स कर दें। जो स्टीम आएगी बेसिकली वो हमारा जो है वो रोज़ वाटर है, वो हमारा प्योर अर्के गुलाब है। ठीक है, हाँ जी, ठीक हो गया आपका। क्योंकि जब ये नीचे से गर्म होगा, ऊपर हमने ठंडा पानी या बर्फ़ डाली हुई होगी, तो वो सारी जो स्टीम है वो हमारी इसके अंदर इकट्ठी होती चली जाएगी। ठीक, तो ये वो प्योर रोज वाटर है जो भी आप बात कर रहे थे कि जो फेस वगैरह पे यूज करने के लिए कॉस्मेटिक्स शॉप से मिलता है उसको आपने नहीं पीना। ये वाला जो अर्के गुलाब है ये अभी स्टीम शुरू हो जाएगी इसके अंदर, देख रही हूं। हाँ जी, शुरू हो गया। हाँ जी, तो स्टीम आती जाएगी वो आपको पता है कि फिर जो है वो पानी बनता चला जाएगा। इस वाले अर्के गुलाब को जुगन गर्मियों के अंदर जिनको बहुत बैड ऑडोर, बहुत ज़्यादा उनके पसीने से जो है वो स्मेल आती है, नहा लें, परफ्यूम लगा लें, डिओड्रेंट लगा लें तो भी उनके मुंह से और उनके जो है वो पसीने से स्मेल आती है, तो निहार मुंह अगर इस वाले अर्के गुलाब का जो है वो 1/2 कप अगर वो पी ले
तो उसके साथ ये है कि उनके जो पसीने की स्मेल है ख़त्म हो जाएगी, बल्कि उनके पसीने से जो है वो गुलाब की जो है वो खुशबू आने बिल्कुल। और जो आपने ही टिप एक दफ़ा शेयर की थी, आप मैं आपके पास वापस आऊँगी, मैंने कहा हम ये वाला अपना सिस्टम स्टार्ट करा दें ताकि ऑन एयर ही आपके साथ हम शेयर करें अलके अरके गुलाब का कि क्या तरीका है बनाने का। आपने मुझे एक दफ़ा ये बात बताई थी और ये एक फैक्ट है, अगर आप रोज़ वाटर के अंदर पिसा हुआ वो डाल दें, फिटकरी जिसको हम कहते हैं या एलम जिसको कहते हैं, क्या आपको पता है कि हर डिओड्रेंट और हर एंटी प्रेस्परेंट की बेस जो है वो एक्चुअली एलम या फिटकरी ही है। पूरी दुनिया में, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ही ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। हम इस बेचारी फिटकरी को इतना नॉन सीरियसली लेते हैं और सस्ती भी बड़ी मार्केट में मिलती है। आपने लिया उसका, आपने पाउडर बना लिया, आपका जो रोज़ वाटर है उसके अंदर आपने एक चम्मच बेशक पाउडर, मतलब इतनी अगर आपकी बोतल है रोज़ वाटर की, उसके अंदर आपने एक चम्मच फिटकरी का पाउडर डाल के उसको अच्छी तरह शेक कर लिया, और क्या करें कि अपने आर्मपिट्स में स्पेशली जहाँ पर आपके पसीने की स्मेल का इशू है वहाँ पर अगर आप उसको रेगुलरली स्प्रे किया करेंगे तो आपके ये एक बॉडी स्प्रे का काम भी देगा और आपके पसीने की बू जो है वो कम हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग क्योंकि अफोर्ड नहीं करते, महंगा होता है डिओड्रेंट, देखिए 150-200 रुपए का डिओड्रेंट खरीदना हर महीने, और अगर 10 लोग हैं घर में तो 10 के 10 के लिए लेना मुश्किल है। ये एक बड़ा ही सस्ता और मयारी हल है और इसमें कोई केमिकल्स एडेड नहीं है। दूसरी बात, रोज़ वाटर जो आपको मार्केट में मिलता है व्यूअर्स, ये मैं आपको फैक्चुअल बात बता रही हूँ, वो एक्चुअली सिर्फ पानी होता है जिसमें कुछ कतरे रोज़ के खुशबू के डाल दिए जाते हैं। ऑथेंटिक रोज़ वाटर बहुत कम जगह पे मिलता है, या जिसको हम रोज़ टोनर भी कहते हैं। सो प्लीज़ चेक किया करें जब ख़रीदते हैं। अब आ जाते हैं बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, और वो हैं हम अपने दांतों को कैसे खूबसूरत और अपने अपने मुँह से अच्छी अच्छी खूबसूरत सी प्यारी सी महक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप यूज़ करें कोलगेट स्पार्कल का। कोलगेट स्पार्कल दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। कोलगेट स्पार्कल में शामिल है फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर, जो इसको हर एतबार से एक मुकम्मल टूथपेस्ट बना देता है। फ्लोराइड दांतों को महफूज रखता है, इनको मजबूती फराहम करता है, और इसके साथ साथ ये जो कैविटीज़ और कैरीज वगैरह है इनको प्रिवेंट करता है। लौंग जो है वो दांतों की तकलीफ से हमें बचाता है, दर्द से आराम देता है, सांसों में महक लेके आता है। लौंग तो वैसे ही बहुत अमेजिंग चीज़ है। फिर पर्ल पाउडर, अब पर्ल पाउडर का क्या काम है? पर्ल पाउडर जो है वो आपके दांतों को चमका देता है, उनको सफ़ेद बना देता है। फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर के पीछे कोलगेट की एक ऐसी आला साइंटिफिक रिसर्च है जो दांतों की हिफाजत के लिए आप की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए एक बेहतरीन सोल्यूशन को क्रिएट कर चुका है, जिसका नाम है कोलगेट स्पार्कल। सो ज़रूर कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल कीजिएगा, हमें भी बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। हम आपको वादा करते हैं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने दांतों को दिन में 2 दफ़ा या अप टू 3 टाइम्स ब्रश करेंगे कोलगेट स्पार्कल के साथ, तो आपके दांतों की दर्द, जो ठंडा गर्म बहुत महसूस होता है, दांतों की रंगत भी आपकी बेहतर हो जाएगी और आपके मुंह से बड़ी ही अच्छी महक भी आएगी। नीट एंड क्लीन रहना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी 2 मिनट पहले मैं कह रही थी कि जी डिओड्रेंट का या कोई किसी ऐसी चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करें कि जिस्म से स्मेल ना आए, तो जिस्म से आपकी बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है लेकिन मुंह से बदबू आ रही है। और व्यूअर्स एक बात बताऊँ, दुनिया की सबसे वो जो होता है ना वो नौजिया आपको हो जाता है, सबसे ज़्यादा एक तरह से ग्रोस चीज़ है कि कोई आपसे बात कर रहा हो और उनके मुंह से बदबू आ रही हो। सो प्लीज़ दांतों को साफ़ सुथरा रखना, दांतों को ब्रश करके आना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दांतों को ब्रश करने का क्या तरीका है? आपने बाहर से भी अपने दांत ब्रश करने हैं, अंदर से भी दांत ब्रश करने हैं, पीछे भी जो हमारे बैक के दांत हैं उनको भी क्लीन करना है, ज़बान को भी ब्रश करना है, टॉप बॉटम को करना है, और अपने दांतों को फ्लॉस भी करना है। डेंटल फ्लॉस भी मार्केट में अवेलेबल है और एक डिबी डेंटल फ्लॉस की पूरा साल आपको लास्ट कर जाती है। दांतों को दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, ऐसी चीज़ें खाएँ, अभी जैसे कि डॉक्टर आयशा भी हमें समझा रही थी कि वो चीज़ें खानी चाहिए जो मिनरल्स और विटामिंस में से भरी हुई हैं, जैसे कि फल हो गए, सब्जियाँ हो गई, ये चीज़ें भी आपकी डेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। और कैल्शियम का इस्तेमाल तो ऑब्वियसली, बट कैल्शियम के साथ विटामिन डी की कॉम्बिनेशन जो है वो उसकी अब्जॉर्प्शन को भी बेहतर करती है। अच्छे ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। ट्रस्टेड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कोलगेट स्पार्कल ही जहन में आता है। दांतों को चेक करवाएं हर 6 महीने, और दांतों को चेक कराने के लिए जो परफेक्ट पर्सन है वो है डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट से रुजू करें हर 6 महीने के बाद। और अपने टूथब्रश को, जो दांतों का ब्रश है उसको हर 3 महीने बाद प्लीज़ रिप्लेस करें। लोग 2-2, 3-3, 4-4 साल उसी टूथब्रश को यूज़ करते हैं, उसमें बैक्टीरिया वगैरह जमा हो जाता है। सो प्लीज़ हर 3 महीने के बाद अपने टूथब्रश को फेंक दें और नया टूथब्रश खरीद लें। आप कैसे
जीत सकते हैं कोलगेट स्पार्कल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। उसके लिए आपको हमारे लिए एक तस्वीर तैयार करनी होगी, एक पिक्चर खींच के हमें भेजनी पड़ी होगी जिसमें कोलगेट स्पार्कल ज़रूर होना चाहिए। आपने 0320-946-3502 पे हमें व्हाट्सएप करना है और आपने तस्वीर भेजनी है जिसमें कोलगेट स्पार्कल आपके हाथ में है, और उसके साथ साथ आपने हमें अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और उसके साथ साथ अपना मेलिंग एड्रेस भेजना है ताकि हम आपको भेज सकें कोलगेट स्पार्कल की तरफ से अच्छा सा एक गिफ्ट हैम्पर, अगर आप हमारे विनिंग सर्कल का हिस्सा बन जाएं। और उसके लिए अच्छी सी और यूनिक सी कोलगेट स्पार्कल से रिलेटेड तस्वीर हमारे साथ शेयर करनी ज़रूरी है। अपने दांतों को महफूज रखें, दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कोलगेट स्पार्कल का ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने दांतों को कीड़ों से महफूज रखें, एक खूबसूरत दांतों में शाइन भी आ जाएगी और ऑब्वियसली मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, और उस मुस्कुराहट में जब चमकते हुए दांत इंक्लूडेड हो तो वाह क्या बात है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप जो भी बताने वाले हैं वो ठीक है, लेकिन ये सांस देखें, ये जबरदस्त, ये जो सांस चल रही है, हाय हम इसमें क्लोज, हम इसमें क्लोज कर सकते हैं किसी तरह, किसी तरह अगर हम इस पे क्लोज पे आ जाए ना, तो मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ऑलरेडी आधी जो बॉटल है वो आधी नहीं, एक चौथाई, ये देखिए ये नजर आ रहा है यहाँ तक पानी भर गया इधर तक। हाँ, तो ये आपका प्योर रोज वाटर है व्यूअर्स। अब इस साइड पे मैं एक बार दिखा दूं कि ये जो है ना, ये वाली साइड है, यहाँ पे क्योंकि हमने ठंडा पानी डाला हुआ है तो वो पानी इसका निकल रहा है, ये आपका रोज वाटर नहीं है। सो ये ना मुंह पे मल लेना या पी लेना, ठीक है, क्लियर कर दूं। ओके, मैंने क्या, मैं तो सोचा था रोज, और मैंने इसलिए दो रखे गुलाब और गेंदा, कम बातें होंगी करने की आप लोगों से 8000 चीजें बताने के लिए। बिल्कुल ऐसी, और ये आप पूरा प्रॉपर डिस्टिलेशन कर रही है ना, और यू सी यही तो बात है, आप घर पे कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि 2500-3000 रुपए का ये आपको मिल जाता है, आप जितने की रोज वाटर की बोतलें खरीद खरीद के पूरा साल लेके आते हैं, अगर लॉजिकली देखें तो ये आपने कर लिया। आप ये बॉटल्स बना के गिफ्ट्स की जब बात करते हैं ना, यार आपा ने मेरे साथ जब डेकोर चैनल पे होती थी तो वहाँ पे बड़ी दफ़ा इन्होंने ये बताया कि आप कैसे घर पे चीज़ें तैयार करके, अब जैसे आप भी कुछ एक क्रीम बनाने लगे हैं, बिल्कुल क्रीम बना, अब वो आपने क्रीम की आपने बॉटल्स ले ली, आपको इस तरह की भी बॉटल्स मार्केट में मिल जाती हैं, बड़ी सिंपल सी इस तरह से जो यूज़ हो सकती हैं। अगर आपने ज़रा महंगी की तरफ जाना है तो थोड़ी सी आप बेटर ढक्कन वाली ले लें, प्लेन बॉटल्स ले लें, रोज़ वाटर बना लें, दो तीन चीज़ें तैयार करके अगर आपने किसी को गिफ्ट भी देना है किसी मौके पर, तो लिटरली हाथ की बनी हुई चीज़, हैंडमेड चीज का ना अपना एक वो होता है, लगता है कि जैसे किसी ने प्यार से और अपनी उससे अफेक्शन होती है। अच्छा, इसमें मैंने खोलता गर्म पानी डाल लिया था पहली, और इसमें हम बॉइलिंग हॉट वाटर है, हाँ ठीक है, और इसमें हमने ये गुलाब की कली डाल ली। अच्छा, ये हमारी बन जाएगी रोस्टी, रोस्टी। इसके बाद इसको हम ऊपर से थोड़ा देर ढक देते हैं, ये जैसे ये ढकना रखा है इससे, हाँ ऐसे कर दें, और जब तक पानी नीम गर्म हो जाए इतनी देर ये इसमें पड़ी रहेगी। उसके बाद ये आप गर्म गर्म पानी डाला उसमें कली आपने, हाँ, डाल दी, हाँ कली डाल दी। अच्छा, ये जो रोज़ बड जितना छोटा होगा उतना फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, जिस तरह ये पत्तियाँ आपने नहीं डालनी है उसमें आपने रोज़ बड का ही इस्तेमाल करना। अच्छा, ये क्या, देसी घी, ये नहीं नहीं ये कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सॉरी हाँ कोकोनट ऑयल है। अच्छा, अब जैसे ये हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून इमल्सिफाइंग वैक्स, ये मार्केट में मिल जाते बड़े आराम से, एक टेबल स्पून, 1.5 टीस्पून यानी के डाल दें, कोई मसला नहीं, ठीक है, हाँ नहीं। इसकी मेजरमेंट कम ज्यादा हो जाएगी तो भी कोई बात नहीं, और आपके पास जोन सा भी ऑयल पड़ा हुआ हो, मेरा फेवरेट है एप्रिकॉट ऑयल, एक अरसा व्यूअर्स मैंने एप्रिकॉट ऑयल सिर्फ अपने मुंह पे लगाया सीरम के तौर पे, जबरदस्त चीज है। कितना, इसमें आप तकरीबन 3 टीस्पून अंदाजे से डाल दें, दो हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। अब इसको हम रख देंगे मेल्ट होने के लिए। अच्छा, मेल्ट होने के लिए कैसे रखें, इसमें रख देते हैं, हाँ आप ऑयल्स जो उनसे ना आप वैक्सेस और ऑयल्स, हाँ हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ही डाल दूं, इसके अंदर ही, या इसके ऊपर रख, नहीं डाल दें इसके अंदर डाल दें, जल्दी हो जाएगा तो हम दिखा जल्दी देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मिक्स जो है ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, और ठीक है, अब जब तक ये वैक्सेस हमारी जो उनसे ऑयल्स गर्म हो रहे हैं
इतनी देर में हम एक और काम कर लेते हैं। अच्छा तो इसमें फूल, ये फूल का, अच्छा आप इधर आ जाएं मेरे पास फैज़ भाई ताकि आप नज़र भी आ जाएं साथ साथ। हाँ जी। अच्छा अब दूसरे कंटेनर में हमने क्या करना है कि ये लिया था मैंने गेंदे का फूल, ठीक है, उसको गुलाब के अरक में मैंने मैश कर लिया हैंड ब्लेंडर के साथ। ये तो मेल्ट भी हो गया। मेल्ट हो गया जी, हाँ जल्दी हो जाती है वैक्सेस हैं। अच्छा इसको हमने छान लिया, ठीक है, ये गेंदे के फूल को हमने अरक के गुलाब में मैश कर लिया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये हमने इसको छान लिया। अब मतलब ग्राइंडर में जिस तरह ग्राइंड किया है ना। हाँ। अब इसमें देखें आपको हमें येलो कलर पिगमेंट भी मिल जाएगा और इसकी मैरीगोल्ड की तमाम अफादियत भी मिल जाएगी। अब उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, हम इसको जल्दी से गर्म कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्रीम अभी किस शक्ल में आएगी। इसको हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा इसमें एक एहतियात करनी है कि आपने जो वाटर बेस है और जो ऑयल बेस है इसका टेम्परेचर आपका सेम होना चाहिए, अदरवाइज क्योंकि हम अलग अलग हो जाएगा, केमिकल्स नहीं डाल रहे हैं तो ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डाल लेते हैं किसी बड़े प्याले में। बड़े प्याले में ये हमारे पास ये तो नहीं आपा का वो पानी, ओ ये तो पानी है ना उसमें हमारा, ये हम इसमें मैं डाल देती हूँ ना, इस वाटर को हम निकाल देते हैं। ये आ गया हमारा ये, और ये मैंने यहाँ पे इसके नीचे रख दिया। ठीक है, इसमें वैक्स डाल दीजिए। अच्छा मेल्टेड वैक्स डाल दी हमने। अच्छा ये ना बहुत जल्दी जो है ना वो सूखनी शुरू वो हो जाती जी है। हाँ, बिल्कुल। और ये बंद कर दें। अब इसका आहिस्ता आहिस्ता से अगर आप पानी बिल्कुल धार की शक्ल में डालें, और मैं इसको भी आहिस्ता ढलती जाइए, डालती जाइए आहिस्ता आहिस्ता कर। और धार निकल ही नहीं रहा था इसलिए मैं रसकून से इसको डाल रही हूँ। अच्छा इसमें ये होगा कि आपके अगर ऑयल ज़्यादा हैं तो क्रीम आपकी ग्रीसी बनेगी, बस काफ़ी का। और अगर आपका वाटर ज़्यादा है तो फिर आपकी वो क्रीम जो है वो, अब देखिए ये साइडों पे जमना शुरू हो गई, ठीक है। अब इसको आप फिंटते रहेंगे ताकि ये सेपरेट ना हो, और उसके बाद फिर आप इसको निकाल के किसी भी कंटेनर में रखें। ये देखिए साइड पर ये बनना शुरू हो गई। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो क्रीम, ये आपकी एक क्रीम तैयार हो जाती है। आप इसको एज ए नाइट क्रीम इस्तेमाल करें, आपकी स्किन को रिपेयर करेगी, आपके जो डैमेज हो चुके हैं सेल्स उन सबको ठीक करेगी। दूसरा इसका काम ये है कि अभी ज़ख्मों की हम बात कर रहे थे, तो ये ज़ख्मों के लिए एक आपका बेहतरीन ऑइंटमेंट भी बन जाता है। अच्छा, आप जैसे जब हमारे पास फोक बज गया फूल का, आप इसके अंदर जो उनसे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स करें, और जहाँ पे ज़ख्म है वहाँ पे आप रख दें तो फौरी तौर पे आपका जो ज़ख्म है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा व्यूअर्स ये देखें, ये करना इसलिए ज़रूरी था ऑन एयर कि आपको नज़र आ जाए। लोग कहते हैं ना कि ये फिर क्रीम कैसे बनेगी, ये देखें जी आपकी क्रीम तैयार हो गई। अब इससे ज़्यादा क्या क्रीमी आपको क्रीम मिलेगी, ये देखें मेरी गोल्ड एंड रोज़ गेंदे की और गुलाब की एक बहुत ही अमेजिंग सी क्रीम बन गई। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, इसमें कोई अच्छा ये कितनी देर तक रह सकती है, और इसको अगर आप इसका कंटेनर साफ सुथरा रखें और उसमें पानी वाला हाथ ना लगे तो ये फ्रिज में आपके तकरीबन 1.5 से 2 महीने बड़े आराम से चल जाती है। ये देखें ये आपकी क्रीम हो गई तैयार, और इसको अगर आप थोड़ा सा लगा के देखें तो देखेंगे बड़ी अच्छी इसकी सॉफ्टनेस होगी और खुशबू भी कितनी अच्छी है और नेचुरल है। नेचुरल, यू नो दैट इज सो नाइस, सो नाइस, और फौरी तौर पर एब्जॉर्ब हो जाती है और आपको डीप लेयर तक ये आपको नरिश करती है। हाँ जी, क्योंकि वही तो चीज़ है ना, मैंने अब दिल चाह रहा है ये तो लगा लूँ। आपको पता है ना मेरे क्यूटिकल्स पे, अच्छा जिन लोगों के ना ये वाला इशू है ना क्यूटिकल्स का मेरे क्यूटिकल्स तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं विंटर में। वो कुछ इसलिए भी है क्योंकि पानी में उतना नहीं कंज्यूम करती जितना मुझे करना चाहिए, तो उसकी वजह से बड़ा इशू होता है। हम इसीलिए ऑन एयर आपको मैं व्यूज अपनी ही स्किन पर लगा के देती हूँ, क्योंकि होता ये है कि लोग सोचते हैं कि ये तो कह रहे हैं ऑन एयर हम बनाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। एक्चुअली इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, और ये आप हैंड फुट क्रीम हर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें से अगर आप वही बात कर रहे हैं कि जख्मों के ऊपर भी इवन इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑसम, अब हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आयशा नासिर के साथ अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे क्योंकि उनको जाना है। उसके बाद जो है हम अपनी बाकी की टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, मेकअप पे भी झांकी डालनी है ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, ये हमारा तैयार हो गया, ज़रा गर्म है इसलिए इस चीज़ का आपने एहतियात करना है कि जब आपने इसको उतारना है तो आपने थोड़ी एहतियात करनी है। कोई और चीज़ लगानी है इसकी जगह आप या बस अब साइड पे ये देखें, तकरीबन 15 मिनट के अंदर ये देखें। हाँ जी, और ये देखें प्रॉपर रोज़ वाटर आपका तैयार हो गया। अब इसको आपको तो मैं सूंघ ही रही हूँ, आप ही तो बहुत ही अमेजिंग चीज हमने तैयार की है। ये देखिए डिस्टिल करने का ये ले ये आपका, ताकि आपको नजर भी आता रहे व्यूअर्स की किस तरह से प्रिपेयर होता है। अच्छा, अब हम इसी रोज वाटर को यूज करेंगे जिस भी चीज में हमने करना है। हाँ जी, आप बताएं। आग लगाएं। हाँ जी, इसको हमने ऑन करना है। मुझे कुछ हाँ जी बस हो गया हो गया। हाँ जी जुगन, एक मास्क बड़ा इन हुआ है आज, हाइड्रो मास्क आप यूट्यूब पे और फेसबुक वगैरह पे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। वो एक टैबलेट डालते हैं और बिल्कुल जेली सी हो जाती है। ये जुगन है चाइना ग्रास, ठीक है ठीक है। ये सीवीड से आप कह लें कि रिफाइंड जो है वो उसकी फॉर्म है। ये हमने लिया पानी, रोज वाटर ही लिया, ठीक है। सिंपल पानी आप ले लें। इसकी जो मैं क्वालिटीज़ बता दूं, ये वैसे डेजर्ट्स वगैरह को जो है ना क्रीम को हार्ड करने के लिए उसमें यूज़ होता है, यानी कि ईटेबल है, इसको खाते हैं। ये एंटी एजिंग है। चाइना में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आप देखें वो 80-90 प्लस भी हो जाते हैं चाइनीज़ लोग, उनकी स्किन ग्लो कर रही होती है और बिल्कुल उनके जो बूढ़े लोग भी हैं बिल्कुल उनकी कमर सीधी होती है। तो ये एंटी एजिंग है, तो ये इस तरीके से हाँ जी ये इतना डाल लें आप, ठीक है। ये मैंने कुछ पहले भी डाल दिया। हाँ जी बस इसको तोड़ लें थोड़ा सा। हाँ जी चले, इसको आप इसके अंदर डाल दें, ये पानी के अंदर बिल्कुल जो है ये घुल जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो आप अपने आजकल जो सीरम है बहुत ज़्यादा हाइलुरोनिक और सारा, उन सब की बेस जुगन ये है, ठीक है ठीक है। इसको हम थिक फॉर्म के अंदर करेंगे तो ये एक जेली सी जो है ये बन जाएगी, जो कि फिर हम फेस पैक के लिए इसको जो है वो यूज़ करेंगे। और अच्छा, ये जो आप ऑन एयर सारी देख रहे होते हैं, अब यही आपने किया, मेल्ट कर लिया इसके ऊपर, फिर आपने डाल इसके अंदर जो है वो उन्होंने स्ट्रॉबेरीज और डिफरेंट तरह के फ्रूट्स, हम इसके अंदर जो है वो रोज पेटल्स जो है वो डालेंगे, हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, हम जिसके अंदर जो है वो इसको हमने जो है वो हार्ड करना है, ठीक है। आपका कोई भी सीजनल फ्रूट है, हाँ जी इस प्लेट को यूज़ करेंगे। और मैरीगोल्ड भी डाल दें, मैरीगोल्ड भी डाल दें आप। बड़ा एक प्रिटी सा उसकी एक वो लुक भी आ जाएगी। हाँ जी, और ये देखें हम उसी वक्त आपके ये एंटी एजिंग है, ये बिल्कुल शीट बन जाती है, फेस के ऊपर लगाएं और उसके बाद इसी को जो है वो आप मसाज कर लें, ये स्किन के अंदर जो है वो जज्ब हो जाएगा। इसलिए इसको हाइड्रो मास्क कहते हैं, क्योंकि इसकी जो बेस थिक लग रहा है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वो चूल्हा हमारा तेज है ना। हाँ जी, उसको जरा हमने मेल्ट करना है पूरी की पूरी चीज को। ये मेल्ट हो जाएगा पकाते पकाते सारा। तो इसको हम जो है वो जो भी आपका सीजनल फ्रूट है या टमाटर है, खीरा है, इस तरीके से आप उसको जो है वो पीसेस कर लें, फ्रूट है तो उसको शेक कर लें, कोई भी फ्रूट जो आप सीजनल है तो इसमें ये डाल। हाँ जी, तो ये जो इस तरह से सारी जो है ये मेल्ट हो गई है चाइना ग्रास, वो हम इस तरह से प्लेट के अंदर डाल देंगे। ये देखें बिल्कुल जो है ये एक जेल सी बन गई है, ये बल्कि ये हमने पूरा का पूरा ही डाल दिया ताकि। हाँ जी, अब ये देखें ना इसको थोड़ा सा हमने ये यहाँ पे इसको इनके पत्तियों को और इसको ऐसे से कर दिया। हाँ, ये आपका जो है ये 10 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल एक ये शीट सी बन जाएगी, एक जेली सी बन जाएगी, ठीक है। इसको आप जो है वो फेस के ऊपर फेस को वॉश करके लगाएं, आंखों के वो जो आपने होल्स करने हैं वो कर लें। वैसे तो अगर आंखों पे बंद करके इसको आप थोड़ी देर लगा दें, हाँ जी, तो आपकी जिंदगी जो है ना वो काफी आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ऑलरेडी सेट होना शुरू हो गया। अच्छा, हाँ जी, अब हम जो है वो जुगन बनाएंगे लिप बाम बनाएंगे। अच्छा, लिप बाम के लिए जो है वो हम लेंगे कोकोनट ऑयल, क्योंकि सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो ड्राई लिप्स हो जाते हैं और आप चैपस्टिक वगैरह इस तरह से लगाते हैं, तो ये आप घर में जो है वो खुद से बनाएंगे तो इसके जो है वो ज्यादा इसलिए रिजल्ट आएंगे कि आपको पता है कि आपने इसमें प्योर चीजें जो है वो डाली हैं, कोई आर्टिफिशियल जो है ना आप अच्छे खासे अमाउंट का बना सकते हैं और वो पूरा आपको साल भी लास्ट करता है। इसके अंदर रेगुलर यूज करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा कम चलेगा। कितना डालूं जी? हाँ जी, बस इसके अंदर आप थोड़ी सी बी वैक्स डाल लें, ठीक है। ये वाली बी वैक्स नहीं है तो आपके पास अच्छी कोई भी कैंडल घर के अंदर पड़ी हुई है, वाइट कलर की साफ सुथरी, कितनी डालनी है आपको? तो
अगर आपने 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल लिया है तो बिल्कुल थोड़ी सी, जस्ट लाइक 1/4 टीस्पून के करीब टेबलस्पून डाली है ना कम से कम इसमें। हाँ जी, तो उसके अंदर आप बस इतनी सी या बी वैक्स डाल दें या मोम डाल दें, ठीक है। जब ये मेल्ट हो जाए आग बंद कर दें और इसको आपने बहुत हल्की आग पे पकाना है क्योंकि ये जो वैक्स है ये आग पकड़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इसको, अदरवाइज तो डबल बॉयलर पे इसमें डालना क्या है। हाँ जी, अब इसको जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसके अंदर जो है वो आप रोज पेटल्स डालें, इसको मैश कर लें या इसको ग्राइंड कर लें, ये डालें आप। ये आपकी बन जाएगी लिप बाम जो कि आपके लिप्स को टिंट भी देगी और आपके लिप को जो है वो ग्लॉसी भी रखेगी। इसके अंदर जो है वो आप चंद कतरे जो है वो आलमंड ऑयल के भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी आप डाल दें ताकि जो है वो और ज़्यादा जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ में जो है वो बेहतरी इजाफा हो जाए। विटामिन ई के आप इसके अंदर जो है वो कैप्सूल डाल लें, उससे जो है वो, हाँ जी ये, लेकिन ये पिघल जाएगी क्योंकि गर्म है बहुत ज्यादा। नहीं, हाँ, मैं इसको थोड़ा सा वो करके, मैं ना इसके अब बेस पे भी ना थोड़े से गुलाब के पत्ते डाल रही हूँ ताकि जब आप इसको इसके अंदर डालेंगे ना तो उसकी लुक बड़ी प्यारी होगी, बहुत अच्छी लुक आएगी। और आप देखें ना ये कितना एक अच्छा गिफ्ट है किसी को देने के। हाँ जी बिल्कुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट दैट यू कैन गिफ्ट टू समवन। जब कोई इसको रिसीव भी करेगा तो वो कितने को, मतलब आप सोचेगा खुश होंगे कि आपने उनके लिए कितनी प्यारी एक चीज तैयार की है। ये देखे ना जब हम इसको इसके अंदर डालेंगे तो ये देखे ना इसके अंदर नीचे रोज के पेटल्स भी आ जाते, तो कितनी एक प्यारी सी उसकी लुक आ जाती है। उसके बाद जो है ये ठंडा हो जाएगा इसको आप, और ये अच्छा खासा चलता है क्योंकि बिल्कुल हमें थोड़ा सा उंगली की टिप के ऊपर जो है वो इसको यूज करना होता है। बिल्कुल, तो ये हमने डाल दिया, ये आपका मेल्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके अंदर ऑब्वियसली इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर इट टू सेटल डाउन। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आपने इसमें वैक्स भी डाली है। हाँ जी, ये ठंडा होने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लेगा, तो हम इसको, हाँ जी, थोड़ा सा वो कर देंगे। अच्छा, लिप बाम के साथ जो है वो जुगन बहुत ज़्यादा जो है वो काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर्दियों के मौसम में जो है वो उनके लिप्स जो है वो ड्राई हो रहे होते हैं, बल्कि छिलके बन के कई दफ़ा उतरते हैं और जो है ना ब्लड सा जो है वो आने लगता है। तो उसके लिए जो है वो एक लिप बाम तो लाजमी आप नाइट में लगाएं, और उसके लिए आपको एक्सफोलिएटर जो है वो यूज़ करना है, एक्सफोलिएटर बनाना है यानी कि लिप का स्क्रब। उसके लिए आपने क्या करना है, चीनी लेनी है और चीनी आपने बहुत फाइन लेनी है, मोटे ग्रेन्स नहीं हो। अगर आपके पास मोटी चीनी है तो उसको छान के उसके जो है वो इस तरह से ब्रीक ग्रेन्स जो है ना वो आप ले लें, ठीक है। हाँ जी, अच्छा मैं ना ये ऊपर से थोड़ा सा ना कभी कभी इसके ऊपर वो वाइट वाइट सा आ जाता है, तो हाँ जी झाग करने से पहले ना आप उस झाग को रिमूव कर दें। अब हम बनाएंगे लिप बाम, सॉरी लिप स्क्रब, एक्सफोलिएटर गुलाब की पंखुड़ियों के साथ। जैसे जैसे सॉफ्ट हो रहा है तो वो बिल्कुल, वो वाला हमारा मास्क भी जो है वो बिल्कुल हाइड्रो मास्क है आपका। हाँ जी, 1 टीस्पून हम लेंगे एक्सफोलिएटर के लिए। ये क्या है, ये लिप स्क्रब एक्सफोलिएटर, ये डाल के ड्राई, ये चीनी ली है हमने 1 टीस्पून, बहुत इसके जो ग्रेन्स है, हाँ जी 1 टीस्पून, यानी कि आपने अगर ज्यादा बनानी है तो आप ज्यादा ले सकते हैं, ज्यादा कर लें बेशक इसको। इसके अंदर जो है वो खुश्क गुलाब की पत्तियों का जो है ये पाउडर, ये भी उसी क्वांटिटी के अंदर आप लेंगे, और इसके अंदर भी जो है हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। अच्छा, ये डार्क लिप्स के लिए, ब्लैक लिप्स के लिए? ब्लैक लिप्स के लिए जी बिल्कुल। अच्छा, इसको अगर बहुत ज्यादा ब्लैक लिप्स है ना जुगन, कितना डालूं इसमें? हाँ जी, इतना डाले, 1 टेबलस्पून डाल दें ताकि एक ना वो क्रीमी सी पेस्ट इसकी जो है वो बन जाए। ठीक है, इसके अंदर आप कोकोनट ऑयल डाल लें, आलमंड ऑयल डाल लें, आप आम वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं जो आपके अगर नहीं है ये वाली चीजें किचन के अंदर, आपको पता है आम कुकिंग ऑयल तो होता है, तो आप इसके अंदर सिंपल वो वाला कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, और इसको आप मिक्स करके तो इसको आप जो है वो रख लें, ये भी ख़राब नहीं होगा। इसके अंदर भी आप विटामिन ई के एक या दो जो है वो कैप्सूल जो है वो ऐड कर लें, क्योंकि विटामिन ई जो है वो एकदम मॉइस्चराइज कर देता है, ग्लो देता है और नरिश कर देता है आपकी डेड स्किन को। विटामिन सी को भी डाल देते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, विटामिन सी के अगर आप इसमें थोड़ा सा सीरम डाल देते हैं तो उससे होगा ये कि जो आपके डार्क लिप्स है ना, हाँ वो आपके लिप्स लाइट। हाँ जी, इसमें विटामिन सी डाल देते हैं, ये विटामिन सी का सीरम है। हाँ जी, हम थोड़ा सा जो है ये भी डाल देते हैं, आपकी हाइपर अगर लिप्स पे पिगमेंटेशन हुई हुई है ना, हाँ जी, तो उसको भी ये बहुत ज्यादा हेल्प। आपके पास विटामिन सी का सीरम नहीं है जुगन, तो आप बिल्कुल एक पिंच के बराबर इसमें हल्दी डाल दें। हल्दी, आपको पता है जितनी मर्जी जो है वो डार्क स्पॉट्स वगैरह हो, डार्क लिप्स हो, हैंड एंड नकल्स जो है वो जुगन ब्लैक हो जाते हैं सर्दियों के मौसम में, तो उसके लिए जो है ये बहुत बेस्ट है। और बाय द वे ये एक अमेजिंग स्क्रब है, मैं पर्सनली भी इसको यूज करती हूँ क्योंकि बार बार लिपस्टिक, बार बार मेकअप, तो उसके बाद इश्यूज आ जाते हैं। तो ये जी हमारा
लिप स्क्रब जो है तैयार हो गया, आपने एक छोटी इस तरह से बॉटल में इसको डाल दिया, हाँ जी, एंड यू गुड टू गो। ये सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। अब हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, मेकअप पे भी झाती डालनी है और कुछ गुफ्तगू को भी कंक्लूड करेंगे, मगर थोड़ी देर बाद, और वो भी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पार्टी मेकअप जो है वो मेकअप बाय रिदा की रिदा कर रही हैं। अच्छा, तो लुक थोड़ा सा हमें बताओगे कि आपने क्या क्रिएट किया। अब आप देखें कि इनका जो है वो सारा ब्राउन्स एंड गोल्ड्स में है। आईज हमने इनकी बहुत लाइट सा ब्राउन एंड थोड़ा डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन मिक्स करके उसके ऊपर हमने गोल्ड लगाया है, उसको थोड़ा सा हमने ग्लिटरी किया, बिकॉज ग्लिटरी बहुत ज़्यादा ज़रा वो अच्छा लगता है आजकल इन, हाँ जी, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा इनकी आईज को यहाँ से इन्हांस किया है, इनके ये इनर कॉर्नर्स में ये गोल्डन लगा के। आईलैशेस कौन सी लगाई हैं? आईलैशेस मैंने अपनी मेरी जो है वो 3D लैशेस हैं, बट ये इतनी हाई नहीं है, इससे बहुत बहुत ज़्यादा हैवी चल रही, बट पर्सनली मैं बहुत लाइट सी जो है वो लैशेस लाइक करती हूं। बहुत हैवी वाली होती है ना, एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी व्यूअर्स, जो बहुत हैवी आईलैशेस होती है ना उनसे आँख छोटी लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आँख पे उस बोझ पड़ रहा होता है ना, तो जब आप तो इससे ज़्यादा हैवी मैं नहीं कहती हूँ। 3D आई नो अब हर चीज़ बड़ी वो जो इन होती है तो हर कोई उसके पीछे पड़ जाता है, जिसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आँखें हों वो अगर लगाए, उनकी आईज ऑलरेडी बहुत प्यारी हैं, ठीक है, तो मैंने इसलिए लाइट लैशेस लगाई हैं कि बहुत ज़्यादा वो, इनकी अपनी आईलैशेस भी नीचे से नजर आ रही हैं अच्छी खासी। तो हम अगर आप नहीं भी लैशेस लगाना चाहते, आपको नहीं लगानी आती, आप विदाउट लैशेस भी ये वाली थोड़ा सा विंग आईलाइनर वाली बड़ी अच्छी लगा सकते हैं। फिर हमने इनका ब्लशन बहुत लाइट सा है पिंक में किया, और लिपस्टिक जो है लिप्स हमने बिल्कुल इनके पिंक कर दिए हैं, क्योंकि आईज थोड़ी सी डार्क थी, तो पिंक्स जो है लिप्स जो है वो हमने पिंक्स में रखे हैं। एंड यू सी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, ये रूल ऑफ थंब बना लें, आपकी आंखें डार्क है तो होंठ लाइट है, लाइट होने चाहिए, डार्क है तो आईज को लाइट रखें, हां जी बिल्कुल, टू मच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल टू मच नहीं। अब देखिए इसमें इनके इतने फीचर्स भी जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली इनहांस्ड है, ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ छुपा नहीं हुआ, बिल्कुल नेचुरल सी सेटल सी लुक, इट्स अ वेरी एलिगेंट लुक। और ये वाली लुक आप डे में नाइट में आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। अगर आपने डे में करना है तो आप थोड़ा सा और इसमें लाइट जा सकते हैं, बट फॉर नाइट इट्स परफेक्ट। हाँ, पार्टी मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि निगाह के लिए भी ये बड़ा ही एक बहुत, हाँ जी, और मेहंदी मेकअप में भी यही चलता है, मेहंदी मेकअप में भी बना लें तो थोड़ा सा हेयर डू करें तो ये बिल्कुल, थोड़ी ज्वेलरी पहने तो ये मेहंदी ब्राइड इज रेडी डन। चले चलते हैं हम एंड में खड़े होके टोटल इनकी फाइनल लुक जरूर दिखाएंगे। नैयर आपके पास कोई 8 करोड़ और चीजें हैं हमें बताने के लिए। जी हाँ, मेरी गोल्ड यानी कि गेंदे के साथ हम क्या कर सकते हैं, गुलाब और गेंदे की तो कुछ कॉम्बिनेशन हमने बनाई। जी जी, जुगन स्ट्रेच मार्क्स जो है ना ये बहुत बड़ा इशू है, बिल्कुल लड़कों में और लड़कियों में बिल्कुल। अच्छा, स्ट्रेच मार्क्स ये नहीं है कि सिर्फ पेट पे जो लाइंस पड़ जाएं उसी को स्ट्रेच मार्क्स, बाजुओं के ऊपर कई दफा जो है वो लाइंस पड़ जाती है, सेलुलाइट लड़के पे। जब बहुत ज्यादा गेन करते हैं वेट और लूज करते हैं या बहुत ज्यादा फिटनेस की तरफ भी जाते हैं तो ये इश्यू आ जाता है। नेक के ऊपर एक मोटी सी फैट की जो है वो लेयर बन जाती है, उसके लिए जो है ये, हाँ जी ये देखें, ये हार्ड हो गया, ये देखें, ये मैंने आपको दिखाना था कि जो हमने मेरी गोल्ड और उसका मास्क बनाया, अब ये आप इसको इस तरह जेली के फॉर्म में इसको उठा के अपने मुंह के ऊपर, अच्छा ये अभी भी सूख रहा है, सूख रहा है, ये आप इसको आराम से ना साइडों से इसको अलहदा करके आप हाँ इसको उठा सकते हैं, और ये आप अपने चेहरे के, ये देखें, ये हाँ जी, ये पूरे फेस के ऊपर, ये जो आप मास्क देखते हैं मार्केट के अंदर, ये देखें, ये आप अपने चेहरे पे रखते हैं डायरेक्ट, और उसके बाद आप आईज का होल बना ले। वैसे तो मैं यही कहूंगी कि पूरा का पूरा फेस के ऊपर रख के आंखें बंद करके बस चुप करके लेट जाएं थोड़ी देर के लिए, को हौसला भी करना। अच्छा, उसके लिए जो है वो जुगन, ये मैंने मेरी गोल्ड को जो है वो ग्राइंड कर लिया, गेंदे को मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसके अंदर अब हम हल्दी डाल लिया, हाँ जी हाँ, और इसके अंदर जो है वो आप 1/2 टीस्पून हल्दी का डालें, 1/2 टीस्पून इसके अंदर जो है वो आप जौ का आटा डालेंगे, ठीक है, और 1 टीस्पून आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे, कॉर्न स्टार्च 1 टीस्पून, हाँ जी 1 टीस्पून ज़्यादा डलेगा, और एलोवेरा जेल इसके अंदर जो है वो आप 1 टीस्पून डाल दें, ठीक है, थोड़ी सी मैं इसी तरह ही डाल देती हूँ ताकि हम अपनी जेल को ख़राब ना करें, हाँ ठीक है। अच्छा, कॉर्न स्टार्च जो करेगा ना जुगन, इसको बटियाँ बना के उतारेगा, इसको आप अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लें, और इसको जहाँ जहाँ आपके ये आप बना के 8 दिन के लिए रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, ठीक है, तो इसको जो है वो बेहतरीन, इसका जो तरीका है कार है
जहाँ पे आपने आपकी प्रॉब्लम है, स्ट्रेच मार्क्स हैं, सेलुलाइट्स हैं, तो आप वहाँ पे लगा के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ें, उसके बाद आप मसाज करना शुरू कर दें। ये पहले जो है वो जज़ब हो जाएगी आपकी स्किन के अंदर, और उसके बाद जो है वो मसाज करते करते ये बट्टियाँ बन बन के उतरेगी, ठीक है, ये पेनिट्रेट होगी अंदर से जाके। क्योंकि जुगन जो मैरीगोल्ड है, इसकी ये क्वालिटी है कि जो सिस्टिक एक्नी है, जिन लोगों के चेहरे के ऊपर एक्नी बन जाती है, ना उसमें पस होती है ना ब्लड होता है, एक मोटे मोटे सी गिल्टियाँ सी जो है वो बन जाती है, तो मैरीगोल्ड की ये क्वालिटी है कि सिस्टिक एक्नी को जो है वो सॉफ्ट करके बाहर निकाल देता है। तो इस वजह से ये जितनी भी सेलुलाइट है, फैट है, सिस्टिक एक्नी है, आप इसको फेस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा फुल बॉडी पे लगाना है, ठीक है। फेस के ऊपर जिनकी जो है वो एक्नी के मुंह नहीं बन रहे हैं और एक गुम्मड़ से बने हुए स्किन के अंदर, तो इसको भी आप लगा के और जो है वो बड़ा जेंटल सा मसाज करते जाएंगे। जेंटल बार बार कह रहे हैं, स्क्रब्स और मास्क जब उतारने हैं, और जब जो मास्क, कुछ ऐसे मास्क होते हैं कि जिस तरह ये वाला मास्क लगा के आपने जब उतारा इसको, तो इसको जो जो भी आपके मुंह पे थोड़ा बहुत रह जाएगा इसका लिक्विड, उसको आराम से आपने उसी के अंदर मसाज करके जज़ब कराना है। अब ये इसको आपने उतारना है बट्टियों की तरह, तो इसका ये मतलब नहीं है कि रगड़े, नरम हाथ से, आपकी स्किन अपनी ही है, किसी की भी हो तो आराम से ही करना है। हाँ जी। उसके बाद जो है वो जिनके यही वाली प्रॉब्लम है, इशू है, कोई भी मौसम चेंज हो रहा होता है, एलर्जीज वगैरह हो जाती हैं, तो आपने क्या करना है, मैरीगोल्ड गेंदे के जो फूल हैं, इनकी पत्तियों का जो है ये कहवा आपने जो है वो डेली बेसिस पे आप लोग 8 से 10 दिन जो है वो पिए, गर्म पानी के अंदर आपने ये डाल देनी है, और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालनी है। अच्छा। जिनकी जो है वो एक्नी का जो है वो बहुत ज़्यादा एक्नी होती है, मौसम चेंज होते साथ ही एलर्जीज वगैरह जो है वो स्किन के ऊपर शुरू हो जाती है, तो उसके लिए जो है ये वाला कहवा जो है वो बहुत बेस्ट है। और प्लस जुगन, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, अनमैरिड बच्चियाँ हैं, फ्रैकल्स हो रही हैं, पिगमेंटेशन हो रही, समझ नहीं लग रही, तो ये जो है वो इस तरह की फ्रैकल्स को, बिछाइयों को भी जो है वो ख़त्म करेगा, क्योंकि ये डिटॉक्स करेगा आपके लीवर को, आपकी बॉडी को। तो इसके साथ आपकी, आप देखेंगे कि आपकी जो है वो फ्रैकल्स भी जो है वो इस कहवे के साथ, और कलर बड़ा ब्राइट होगा, आपका स्किन टोन इवन होगी, तो ये वाला कहवा जो है वो सेफ है। आप इसको, क्योंकि गेंदे के फूलों की जुगन जो है वो मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, और जितनी भी स्किन की एलर्जीज हैं, इश्यूज हैं, उसके लिए जो है इसकी जो है वो मरहम वगैरह, डॉक्टर फैसल इसमें होमियो में कैनाडोला थोड़ा सा फर्क है, वो पॉट मैरीगोल्ड कहलाता है, ये मैरीगोल्ड कहलाता है, तो फैमिली एक ही है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है कि कोई भी एलर्जीज वगैरह जो है वो स्किन की, जिन लोगों को स्किन के इश्यूज हैं उनके लिए जो है ये मैरीगोल्ड का कहवा, और जो मैरीगोल्ड का जो है अच्छा, फाइनल ये क्या है, ये जुगन मैंने जो है वो गुलाब की पत्तियों का जो है वो शेक बनाया है, ग्राइंड करके पानी के अंदर, और फ्रेश क्रीम आपने इसके अंदर डालनी है, ठीक है। ये जिन लोगों की जो है वो, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई स्किन हो जाती है, तो इसको जो है ये आपकी क्रीम, ये देखें बन गई, गुलाब को आपने जो है वो ग्राइंड कर लिया, पानी उसका स्टेन कर लिया, उसमें फ्रेश क्रीम डाली और कुछ भी नहीं डाला, ये आप क्रीम बना के जो है वो रख लें 8-10 दिन के लिए फ्रिज, हाँ जी फ्रिज के अंदर, क्रीम है ना उसके अंदर, हाँ जी फ्रिज के अंदर रख लें, फेस को वॉश करके ये वाली क्रीम आप डेली बेसिस पे लगाएंगे, एक तो जुगन जो है ये ड्राइनेस को रिमूव करेगी, और आपको पता है कि गुलाब के अंदर रिच विटामिन ई होता है और नेचुरल विटामिन ई है, तो ये आपकी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज करेगा, और फेस को वॉश करने के बाद भी आपकी ड्राइनेस नहीं आएगी, इसकी ये क्वालिटी है। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक में जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहिबा हमारी गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगी और हमारे साथ कुछ फाइनल टिप्स शेयर करेंगी, और कि हम अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एंड देन फाइनल लुक हमारी मॉडल की, ब्रेक के बाद। यहाँ पे हम बात करते हैं खूबसूरती की, स्किन को मॉइस्चराइज करने की, वहाँ पे एन फ्रेंच का नाम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट पे है। एन फ्रेंच है क्या? एन फ्रेंच एक हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके गैर ज़रूरी या अनवांटेड बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली उसको रिमूव कर देता है और आपकी स्किन को बहुत ही सिल्की और स्मूथ छोड़ देता है 3 से 6 मिनट के अंदर अंदर। एन फ्रेंच की बहुत ही प्लेजेंट रोज़ फ्रेगरेंस है गुलाब का, और आज का हमारा टॉपिक भी गुलाब
ही था और है। इसके फॉर्मूला में क्योंकि बेबी ऑयल भी शामिल है, मॉइस्चराइजर्स भी शामिल है, उसके अलावा रोज़ का भी एक एलिमेंट है, तो ये आपकी स्किन को सैटन सॉफ्ट कर देता है और इसके मॉइस्चर को भी इंटैक्ट रखता है, यानी कि आपको सैलॉन के जैसी स्मूथ स्किन जो है वो 5 मिनट में मिल जाती है। ये एक कन्वीनियंट हेयर रिमूविंग ऑप्शन है वर्सेस गोइंग टू द सैलॉन या पार्लर। आप कोई और वहाँ पे जाके हेयर रिमूविंग ऑप्शन को यूज़ करते हैं, उससे जब हेयर रिमूव किए जाते हैं जो बहुत दर्द करने वाले ऑप्शंस होते हैं, उससे स्किन बल्कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और उसके बाद फिर आपको पता नहीं 50 किस्म के मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप एंड फ्रेंच का यूज़ करते हैं तो ये जेंटली आपके बाल रिमूव भी करती है और बिल्कुल ही दर्द पेन के बगैर। आपकी स्किन 2 गुना ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाती है, खूबसूरत सी इसकी फ्लोरन फ्रेग्रेंस है और एंड फ्रेंच दोनों क्रीम और लोशन में अवेलेबल है। आइए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी और फिर बताती हूँ कि आप कैसे एंड फ्रेंच का गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं। वाओ, कौन सा सैलून? बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। जी हाँ, बाय बाय सैलॉन, हेलो एंड फ्रेंच। आपने बाय बाय सैलॉन, हेलो एंड फ्रेंच कहना है और एक छोटी सी 20 सेकंड तक की वीडियो हमारे साथ शेयर करनी है। व्हाट्सएप का नंबर है 03209463502। इस पे आप हमें ये 20 सेकंड की वीडियो भेजेंगे जिसमें आपने कहना है बाय बाय सैलॉन, हेलो एंड फ्रेंच, और एंड फ्रेंच आपके पास या ये वाला पैक हो या क्रीम हो या लोशन हो, इनमें से कोई भी चीज़ आपने हाथ में पकड़ी हुई हो और इससे रिलेटेड आपने एक छोटी सी 20 सेकंड की वीडियो भेजनी और वर्ड्स क्या बोलने हैं वो हमने आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं और आप भी गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं एंड फ्रेंच की तरफ से, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपनी मेकअप लुक की तरफ। अच्छा, मैंने नोट किया कि आपने भी गेंदे का और गुलाब का इस्तेमाल किया है। ये देखें ना कितने प्यारे बाल जो हैं आपने तैयार किए हैं, इतने सिंपल सा आपने जूड़ा बनाया और जूड़े के अंदर बन किया हम लोगों ने और उसके साथ हमने रेड फ्लावर्स ऐड कर दिए और इनको हाथ में ये हमने गजरा पहना दिए ताकि दोनों कॉम्बिनेशन के साथ जरा खड़े हो जाएं हम ताकि हम ये फाइनल लुक जो है वो दिखा सकें। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, वेरी वेरी एलिगेंट। आप इधर से भी अगर दुपट्टा थोड़ा सा इस तरह मेरा बेटा पकड़ लेता है तो ये वो जो कहते हैं ना इस तरह, अच्छा अगर आपको दुपट्टा पकड़ने में इशू है तो इसका एक बहुत अच्छा सलूशन ये होता है कि यहाँ पे आप सेफ्टी पिन लगा दें। अब ये देखें, यहाँ पे आपको कड़ा या कोई ब्रेसलेट भी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बड़ी एक एलिगेंट सी और खूबसूरत सी लुक आ जाती है। आपको अपनी लुक कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत सिंपल, डीसेंट, ओवरडू कहीं भी नहीं हुआ। इंसान की पर्सनालिटी के हिसाब से मेकअप करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमें थोड़ा सा लाउड मेकअप करें, जरा वो करें, वो भी हम आपको जरूर सिखाएंगे, बट एक सटल एलिगेंट लुक जो आप, मतलब मैं तो कहूंगी कि डे में भी ये बड़ी अच्छी लगेगी, अगर दिन की कोई शादी है का या दिन का कोई इवेंट है तो उसमें बहुत ही अच्छी लुक लगेगी। वेल डन रिदा, थैंक यू। मेकअप है रिदा, इंस्टाग्राम का इनका पेज है, जरूर इनको फॉलो कीजिएगा। आए, मैं खुद इनको फॉलो करती थी, इसी तरह मैंने इनसे रब्ता किया और मैंने कहा जरा आ जाओ लड़की, हमें जरा ऑनर भी दिखाओ। एक्चुअली होता ही है कि वीडियोज लोग बना लेते हैं, ऑनर बात नहीं की जाती, मैंने कहा जरा इसको टेस्ट करते हैं हम लाइव शो के अंदर ही। वेल डन रिदा, ग्रेट जॉब, यू लुक ब्यूटीफुल बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, फाइनली डॉक्टर आयशा, गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए क्या कहेंगी आप, इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफियत को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं? वैरायटी ऑफ फूड्स खाएं, रेनबो डाइट से मुराद ये है कि आपकी जो प्लेट होनी चाहिए वो कलरफुल होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़ा गलत चीज़ है कि अगर हम फ्रूट में माल्टे लेकर आए हैं तो पूरा हफ्ता माल्टे ही खाई जा रहे हैं। भैया आप बाकी फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें, वैरायटी ऑफ फूड आपकी होनी चाहिए, कोई फूड ग्रुप मिस नहीं करना, दूध का, ग्रेन्स का, प्रोटीन का। अगर आप प्रोटीन अफोर्ड नहीं करते, मटन बीफ आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप चिकन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दालों का इस्तेमाल करें। प्रोटीन दालों के अंदर भी अच्छी मिकदार के अंदर मौजूद है। नट्स का इस्तेमाल, एक मुट्ठी नट्स दिन में खाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाने, ओवरडू किसी भी चीज़ को नहीं करना। और अगर आप अफोर्ड करते हैं तो हफ्ते में 2 दफ़ा फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर करें। फ़िश सिलीनियम का बहुत अच्छा सोर्स है, जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन डी के कुछ हद तक मिकदार उसके अंदर है जो कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, मगर फिर भी विटामिन डी उसके अंदर मौजूद है। और बात यह कि जब मार्केट जा ही रहे हैं फल लेने के लिए, जैसे कि इन्होंने कहा किन्नू, अगर आप किन्नू लेके आए हैं तो किन्नू, सेब, केला, दिन में बच्चों को कोशिश करें, जैसे कि सेब है और केला है, आप सेब और केले को अगर थोड़े से दूध के अंदर डाल के ब्लेंड कर देते तो एक बड़ा अच्छा बनाना और एप्पल शेक बन जाता है। आप तो वैसे ही डॉक्टर फैसल बहुत ज़्यादा स्मूदीज के प्रो हैं, जो बच्चे नहीं खाते फल, कम से कम उनको आपने इस तरह खिला दिया और फिर एक दफ़ा आपने उनको किन्नू छेल के उसके बीज निकाल के दे दिया तो बच्चों ने खा लिया, तो कम से कम 3 पीस फ्रूट के तो सिस्टम में गए ना। आपने फल के 3 पीस और सब्जियों के 3 पीस डेली खाने हैं,
हम क्या करते हैं कि एक कोई फल खा लेते हैं और सोचते हैं कि भी हमने अपना काम पूरा कर लिया। एग्जैक्टली, सब्जियां ज्यादा बैलेंस्ड खाना, सब्जियां जरा ज्यादा हो, फ्रूट 3 से 4 अगर आप बच्चों को खिला देते हैं, खुद 2 से 3 भी खा लेते हैं तो दैट इज एनफ। बाकी डाइट अपनी वैरायटी के साथ रखें। फैसल भाई कुछ एंड में कहेंगे? जी बिल्कुल, गेंदे के हवाले से एक बात जरूर करूंगा कि गेंदा जो उनसे हमारी आई विजन के लिए बहुत अच्छा है, इसमें ल्यूटिन और जियाजेंथिन की जो मकदार है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी पत्तियां जो उनसे अच्छी तरह धो के सैलेड के ऊपर डाल दें, किसी स्वीट डिश में डाल दें, या वैसे भी इसको खाया जा सकता है, एडेबल है, तो आप इसका इस्तेमाल इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसको अगर सीजन के बगैर इस्तेमाल करना हो तो इसको सुखाने का तरीका जो है वो बता देता हूँ आपको। पेटल्स को यानी पत्तियों को जब भी फूलों के आपने सुखाना है तो ब्राउन जोन से एनवेलप्स होते हैं या ब्राउन लिफाफे जो होते हैं उसमें डाल के ऊपर से बांध के और किसी जगह पे लटका दें जहाँ से हवा का गुजर होता है, तो इससे ना इसका रंग खराब होगा, ना इसका जायका खराब होगा, ना इसका मतलब किसी किस्म की चीज़ें खराब नहीं होंगी, कलर भी इंटैक्ट रहेगा और उसकी सारी क्वालिटीज भी इंटैक्ट। क्या बात है। और आपा एंड में? हाँ जी बिल्कुल, फल सब्जियों के अलावा जो फूल हैं इनके अंदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, बेनिफिट्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि ये जो चीज़ें हैं ये भी आपकी हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा और आपकी ब्यूटी के लिए बहुत अच्छी है। और व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें जो आज हमने आपके साथ शेयर की है, हमने आपको मेकअप की भी लुक डिफाइन करके दिखाई, हमने आपको खाने मतलब हमने आपको ये भी दिखाया कि आप किस तरीके से इनको अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं, अगर मतलब एक तो हम फूलदानों में भी लगाते हैं ना, और उसके अलावा आप अपनी जब आप लुक अपनी बना रहे हैं फाइनल मेकअप की वो भी कर सकते हैं। एंड देन जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने गाइड किया कि आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं हेल्थ के लिए भी, कंज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से। आई होप कि आज का प्रोग्राम यूज़फुल रहा होगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।